सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियलमी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि वो अपने रियलमी बर्ड्स क्यू टू भाई मतलब जो कि रियलमी बर्ड्स क्यू का जो दूसरा वर्जन है मतलब उसका बड़ा भाई जल्दी ही इंडिया में आने वाला है। उसकी बर्थ डेट अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको उसकी अप्रोक्सीमेट जो डेट जो हो सकती है उसकी लॉन्च की वो मैं बताऊंगा। तो भाई इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं कभी भी बता सकता हूँ कि वो लॉन्च डेट क्या है। तो भाई पूरी देखनी पड़ेगी इसके लिए वीडियो। तो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपको भी पता और मुझे भी पता है कि हमारे तो खून में टेक्नोलॉजी दौड़ती है। तो चलो यार, लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन, क्योंकि वहीं पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसकी क्या फोटोज वगैरह है और क्या लीक्स वगैरह निकल के आ रही हैं। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो भाई जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर आप रियलमी की यहाँ पे वेबसाइट पे जाते हैं, इंडिया वाली वेबसाइट पे, तो यहाँ पे कुछ बैनर इमेजेस चलते रहते हैं। अगर अगर इन बैनर इमेजेस में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है रियलमी बर्ड्स क्यू टू का पोस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ एएमसी डेमोक्रेटाइजर, मतलब इसका मतलब यह है कि इसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी हमको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे कमिंग सून का भाई दिखा रहा है, और यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे रियलमी का यह लोगो देखने के लिए मिलता था वो अब नहीं होएगा। यहाँ पे एक नया डिजाइन है, वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो वही फिर से लिखा हुआ है क्वाइट इफेक्टिव नॉइज का, मतलब वही द बेस्ट इन क्लास एएमसी, मतलब एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन इनमें मतलब हमें बहुत ही कम प्राइस पर देखने के लिए मिलने वाली है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान वाली रियलमी की वेबसाइट पर, वहाँ पे भी ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं पाकिस्तान में। ये अप्रैल के एंड में लॉन्च हुए थे वहाँ पे, और वहीं यहाँ पे हमारी नया कलर भी देखने के लिए मिल जाता है हमको ये वाला, और वही पुराना वाला मतलब फीचर जहाँ पर 20 hertz का टोटल प्ले बैक है, 10 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर्स हैं। इस पर बेस बूस्ट इस पर हमें बेस बूस्ट प्लस ड्राइवर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इसमें एक मेन अपग्रेड जो किया गया वो है 88 ms का सुपर लो लेटेंसी मोड, मतलब पहले वाले में 119 ms का लेटेंसी देखने के लिए मिलता था जो लोएस्ट था, लेकिन अब 88 ms होगा। तो भाई ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। भाई वही मैं आपको बता रहा था कि वही 5 hours का सिंगल प्लेबैक टाइम, पहले मेरे ख्याल से 4 hours का था। और अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं वही यहाँ पे देखो स्पोर्ट बेस बूस्ट प्लस, मतलब अकेला बेस बूस्ट नहीं, अब इसमें बेस बूस्ट प्लस होएगा। और अगर हम बात करें इसके नए ऐप एक्सपीरियंस की, अगर हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं पहले हमें देखने के लिए मिलता था अकेला गेम मोड और बटन सेटिंग्स। और अगर हम बात करें अब की, तो अब हमें ऐप में इसका बेस बूस्ट मोड, डायनामिक मोड और ब्राइट मोड देखने के लिए मिलेगा, जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और इसकी लॉन्च डेट की बात करते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि रियलमी नार्जो 30 Pro 5G और रियलमी नार्जो 30 ये इंडिया में ऑलरेडी बिक रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट में चल रही है उनकी आजकल। लेकिन जो रियलमी नार्जो 30 है, जो रियलमी नार्जो अकेला 30 भाई, वो अभी तक लॉन्च नहीं किया गया 4G वाला वेरियंट। भाई हो सकता है उसके साथ ही ये लॉन्च कर दे, उसके एक दो दिन बाद लॉन्च हो जाए। वो उसकी एक्सपेक्टेड डेट आ रही है 25 June से 30 June के बीच में। तो भाई इसकी एक्सपेक्टेड डेट भी आप ये लगा सकते हो कि 25 June से 30 June के बीच में ये आ जाएंगे। अगर अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर, अगर यहाँ पे मैं बाय नाउ पे मतलब क्लिक करता हूँ, तो भाई यहाँ पे सामान पीके की वेबसाइट पे हम आ जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से लोग मतलब परचेज करते हैं आइटम्स को पाकिस्तान के लोग। तो भाई जैसे हमारा यहाँ पे फ्लिपकार्ट है, वैसे ही वहाँ पे सामान पीके है जहाँ जैसे हमारा यहाँ पे अमेजोन वगैरह है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कैलिडोस्कोप डिज़ाइन बताया जा रहा है कंपनी की तरफ से, लेकिन पर्सनली मुझे कुछ तो भाई मुझे पहले वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता था, जहाँ पे आर लिखा होता था, यहाँ पे रियलमी का लोगो था। और भाई इतने चेंजेस नहीं है, वन शेप भी सेम ही आप लगा लो। और भाई कलर इसमें हमें दो देखने के लिए मिल जाते हैं, एक पर्पल है और एक इसका ब्लैक कलर जो बेसिक होता है। तो भाई अगर बात करें केस की, भाई केस में भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और भाई ये है इसका मेन डिज़ाइन जो अब की बार आने वाला है इंडिया में। भाई आप जैसे कि देख सकते हो इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन भाई वो वाला मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा था। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि भाई आपको ज़्यादा पसंद कौन सा था, पहले वाला या ये वाला। तो भाई मैंने आपको मेरे ख्याल से सब कुछ बता दिया जितना हो सकता था। इसकी प्राइसिंग क्या, ये देखो भाई प्राइसिंग इसकी आ रही है 5599 rupees। भाई इतना महंगा इंडिया में नहीं होगा, ये पाकिस्तान की करेंसी बता रहा है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं PKR to INR, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ टू इंडियन रुपीज़ अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे आ रहा है 5999। और अगर हम यहाँ पे भरते हैं 5999, तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो 2824.63 इंडियन रुपीज़, मतलब भाई 2500 से
3,000 के बीच में हमें ये देखने के लिए मिलने वाले हैं। और भाई जिस दिन पहली सेल लगी थी ना इनकी पाकिस्तान में, तो भाई इनका यहाँ पे 2,000 का ऑफ था, मतलब इंडिया के हिसाब से 1,000 रुपए का ऑफ चल रहा था। तो भाई हो सकता है इंडिया में जब जिस दिन ये लॉन्च हुए तो भाई इसकी कोई फ्लैश सेल वगैरह चले, जहाँ पे हमें ये सिर्फ 2,000 के देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भाई हो सकता है इसकी प्राइस इंक्रीज करके 3,000 कर दी जाए। तो भाई यही थी वीडियो, होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो गाइस होप करता हूँ आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और भाई एक अच्छा सा कमेंट लिख जाओ, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मतलब छोटी छोटी टेक्नोलॉजी न्यूज लाता रहता हूँ इस चैनल पर। और अगर आप ऐसे ही और न्यूज सुनना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब बटन को भाई दबा डालो भाई, उसके चाहे ट्रक चढ़ाओ भाई, चाहे उसके ऊपर बैठ जाओ, कुछ भी करो, बस भाई उस लाल बटन को ग्रे कर दो। तो भाई हम ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।